बिग बॉस के घर से जिस दिन से अंकित गुप्ता बैक टू बैक टारगेट हो रहे थे, उस दिन से लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि टीआरपी बहुत सॉलिड आ रही होगी, क्योंकि जब जब सुम्बुल बैश हुई है टीआरपी आई है, जब जब प्रियंका बैश हुई है टीआरपी आई है, और जब जब अंकित भी बैश हुए हैं तब तब भी टीआरपी ज़रूर आई है। इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूँ कि कैसे अंकित गुप्ता के इविक्शन ने बिग बॉस को टीआरपी दी है, और अंकित गुप्ता के इविक्शन के बाद के हफ्तों में क्या टीआरपी, बाद के दिनों में क्या टीआरपी रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। कई सारे लोगों ने इस बात के दावे किए थे कि अंकित जब शो छोड़ देंगे, मतलब जिस तरह से अंकित को निकाला है, तो हम शो देखना बंद कर देंगे, हम नहीं देखेंगे वगैरह वगैरह। आपको याद दिला दूं कि यही चीज़ उमर रियाज के वक्त भी हुई थी, जब उमर रियाज शो से निकले थे, जब उमर रियाज को शो से निकाला गया था उस दौरान, निकले थे गलत वर्ड था, निकाला गया था जिस तरह से उमर रियाज को शो से, उस दौरान टीआरपी जो है वो ठीक ठाक एवरेज ही थी, लेकिन उमर के निकलने के बाद टीआरपी और भी बेकार हो गई, बिकॉज बायसनेस की हद पार हो गई थी। यही सेम चीज़ अब वापस से घर में दिखी जब अंकित गुप्ता को जिस तरह से निकाला गया उस चीज़ में। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टीआरपी के मामले में, जी हाँ, वीक 51, इस साल का 51st वीक, इसमें टीआरपी की जो अपडेट है वो है कि वीकडेज पर 1.9 की टीआरपी है, और शनिवार वीकेंड का वार पर 2.0 की टीआरपी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पिछले हफ्ते की है, इस हफ्ते की नहीं। इस हफ्ते की जो टीआरपी बताई जा रही है वो बताई जा रही है 1.7 टू 1.8। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, पिछले हफ्ते टीआरपी थी 1.9 और वीकेंड पर आया 2.0। अब वीकेंड के बाद जब अंकित निकल गए तो टीआरपी आई 1.7, 1.8। तो क्लियरली टीआरपी में एक थोड़ा सा डिक्रीज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये डिक्रीज काफ़ी हद तक इसी रीज़न से है, ये डिक्रीज काफ़ी हद तक इसी वजह से है बिकॉज अंकित को जिस नाइंसाफी से शो से निकाला है। और मंडे को लोगों ने काफ़ी देखा होगा, सॉरी संडे के दिन लोगों ने काफ़ी देखा होगा, लेकिन उसके बाद लोगों ने देखना बंद कर दिया, बिकॉज संडे को अंकित का इविक्शन जो है वो पूरी तरह से दिखाया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ कलर्स के जो बाकी के शोज हैं उनकी क्या कुछ टीआरपी रही है। सबसे पहले तो कलर्स के जितने भी शो हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीआरपी ऑफ कोर्स बिग बॉस की है 2.0, ससुराल सिमर का 0.9, बिलो एवरेज टीआरपी है, सादी की सवारी 1.4, उडारियां 1.6, परिणीति 1.6, धर्म पत्नी 1.2, फहमान के शो की टीआरपी भी डिसेंट आ रही है, दुर्गा और चारू 1.2, शेरदिल शेरगिल 0.9 टीआरपी जो है, और पिशाचनी 0.9, नागिन 6 1.6 की टीआरपी है। सो क्लियरली टीआरपी के मामले में आपने देख लिया कि किस तरह से बहुत सारे शोज जो है कलर्स के वो बिग बॉस के पीछे हैं, और बिग बॉस नंबर वन शो बना हुआ है कॉन्स्टेंटली कलर्स का।